एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम एंड बेबी ट्रूवी। और आज का वेलकम आपका ट्रूवी करने लगी है, राइट। और आज है 19 सितंबर और हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ घूमने। और मेरा लुक कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और टैनी क्यूटी कैसी लग रही है ये भी बताना। हाँ, टैनी क्यूटी कैसी लग रही है जी, नहीं बोलो मैं कैसी लग रही हूँ, कैसी लग रही, नाइस किसी का दो, नाइस लग रही है मम्मा। सो आज मैं थोड़ी सी अलग लग रही हूँ ना, और मेरे हेयर भी अलग लग रहे होंगे आपको। वेट मैं दिखाती हूँ आपको ठीक से, तो मैं बताती हूँ क्या अलग लग रहा है। आप लोग वैसे देख ही रहे होंगे कि मेरे हेयर जो हमेशा स्ट्रेट रहते हैं, यहाँ से तो वैसे ही है, वैसे भी थोड़े से हैं, बाउंसी बाउंसी लग रहे हैं, राइट। ये देखिए आप लोग, लाइट कर्ल, स्मॉल कर्ल, राइट। अब मुझे ऐसे हेयर ना बहुत ज़्यादा पसंद थे शुरू से। स्ट्रेट जो मेरे रहते हैं वो एकदम सिल्की रहते हैं, जैसे ये दिख रहे हैं आपको हल्के हल्के। और अगर मैं जो जैसे मैंने ये किए हैं, अगर वो मैं ठीक से करती ना, मैंने सिर्फ नॉर्मली करके देखा था कि कैसे होंगे, अगर मैं ठीक से करती ना तो और ज़्यादा बाउंसी और अच्छे हो जाते। तो ये हेयर मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट और अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बाउंसी और वैसे लग रहे हैं, ब्यूटीफुल। एंड इसका वीडियो मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो बना के दूंगी कि ये कैसे मैंने किए हैं। बहुत से लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है वो वीडियो ओनली उनके लिए होगा। सो मैंने भी ये कहीं से सीखा है, सीखा नहीं है, पहले भी आता था, हाँ आता था, लेकिन कभी ट्राई नहीं किया था, तो इस बार ट्राई किया और बाउंसी है। तो मैं इसका एक अलग से वीडियो आपको दिखाऊंगी, ओके। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने फ्रेंड के यहाँ, देखते हैं वहाँ पे ब्लॉग शूट होता है कि नहीं। और मेरे साथ है महिका। हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, हेलो हेलो बोलो, हेलो हेलो। सो चलिए हम लोग जाते हैं और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और मैंने यहाँ पे कुर्ती पहना हुआ है क्योंकि भाई फ्रेंड के ससुराल में जा रहे हैं, ससुराल वाले बोलेंगे कैसी दोस्त है जींस पहन के आती हैं, हमारी बहू को बिगाड़ देगी। सो चलिए फिर मेरे साथ मेरी फ्रेंड के घर। Hold me close till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left, the storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust, yeah, no, I don't wanna waste what's left, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on गाइस। सो फाइनली मैं अपनी फ्रेंड के घर आ गई हूँ और फ्रेंड 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 कर रही हूँ, उसका नाम है आरती। तो ये रही, हेलो। और इसकी नई नई शादी होती है, चलिए इससे पूछते हैं इसको कैसा लगता है, शादियों के कैसे मजा आए, अच्छा लग रहा है या नहीं? हाँ बढ़िया एकदम, मजे आते हैं शादी होने के बाद, अभी शुरू शुरू है ना तो मजे आ रहे हैं। और यहाँ डैनी की मस्ती है और हम यहाँ खाने वाले हैं सिंगाड़ा यानी कि समोसे, बस खाते रहो। और ये हम जब से आए ना तब से हमें बस ठूसने के लिए बोले कर रही, ठूसते रहो ठूसते रहो, है ना डैनी, खाने के लिए है ना डैनी, और क्या। तो चलिए फिर हम मैं मिलती हूं आप लोगों से बाद में। Hold me close till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left, the storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust, yeah, no, I don't wanna waste what's left, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on and on we'll go.
ये इयर रिंग देखिए, प्रॉब्लम क्या है, ये ऐसे लटक रहा है। क्यों लटक रहे हैं? इनका जो डार्ट होता है वो बहुत ज्यादा लूज है। सो एक सेकेंड वेट कीजिए। सो मैं बस जस्ट इनको उतार रही हूँ और मेरा मेकअप वैसे का वैसा है। और लिपस्टिक देखिए आप लोग, वैसे का वैसा है ना। पता है क्यों? क्योंकि ये लिपस्टिक एसक्यू का है, वाटरप्रूफ है, ऑयल प्रूफ है। और तो हम लोग उसके घर गए, काफी अच्छा लगा। उसकी जो सिस्टर इन लॉ है वो काफी अच्छी है, मतलब अच्छा लगा। और अभी मैं आई हूँ और पता है मैंने इतना कुछ खा लिया लेकिन लिपस्टिक नहीं निकली। क्लोजअप से दिखा दिया, ठीक है। मैंने बहुत सारी चीजें खा ली अभी अभी। मैंने गणेश जी का प्रसाद जो होता है ना, तो यहाँ पे भंडारा बोलते हैं उसको, तो वो खाया है अभी मैंने। बहुत टेस्टी होता है, बहुत ही ज्यादा। मतलब दुनिया की सारी चीजें खाने की, एक तरफ चाइनीज, इटालियन, जो भी हो, साउथ इंडियन, इंडियन, जो भी है, सब कुछ अलग। और जो मंदिर का भंडारा होता है ना, वो उसका टेस्ट एक तरफ यम। सिर्फ उसमें कुछ नहीं होता, पूरी और सब्जी से बहुत ही ज्यादा। और जो अन्नकूट की सब्जी बनती है वो तो आई लव इट, ठीक है। फिर एक्चुअली क्या होता, जब हम गए थे ना, हमने सोचा थोड़ा मुझे टॉप वगैरह भी लेनी है, तो क्यों वहां तक मैं गई थी तो क्यों ना मैं ले ही लूँ फिर दोबारा राउंड, मतलब धूप देख के होता नहीं है। तो मैं टॉप लेके आई हूँ अपने लिए। ये मतलब शॉर्ट टॉप है एक तरीके से, मतलब मैं दिखाती हूँ आपको कैसे। अच्छा है ना ये, यहाँ पे ये ऐसे रिबन दिए गए हैं तो इनको बांध लो, ठीक है। ये मुझे 300 में मिला है, काफी अच्छा लगेगा यार पहनने के बाद। मतलब मेरे पास, मैं ज्यादा नहीं लेके आई हूँ क्योंकि देखो मैं ससुराल में तो अपने मैं जींस वगैरह पहन नहीं पहनती हूँ, लेकिन यहाँ पहन लेती हूँ या यहाँ कहीं फ्रेंड के साथ जाना है तो कभी कभी यहाँ हो जाता है, तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं लेके आई हूँ। सिर्फ दो ही टॉप लेके आई हूँ और मेरे पे है। और ज्यादा तो वैसे मैं आप लोगों को पता है कुर्तियां पहन रही हूँ आजकल, यहाँ रह रही हूँ तो जींस पहन लेती हूँ, वहां नहीं अलाउ नहीं है। ये देखिए, और इसमें ऐसे यहाँ पे एक फ्लावर दे रखा है, ये देखिए, और ये एक भी कैसे दिया है मुझे सिस्टर। हाँ ये आई थिंक आगे बांधने का होगा ऐसे करके यहाँ पे। तो एक ये है और एक ये ऐसा टॉप मैंने किसी पे देखा है, याद नहीं आ रहा मैंने किस पे देखा है ऐसा, किसी पे तो देखा है मैंने ऐसा टॉप। शीन, शीन जो ऐप है उस पे देखा है थी मैंने। तो ये प्लेन है, और वैसे भी आप लोगों को पता है मैं बैंगलोर जा रही हूँ तो कुछ तो लेना बनता है ना। वैसे मेरे पास ड्रेसेस तो बहुत है, जब ड्रेसेस कुर्तियां इतनी हो गई ना तो इच्छा नहीं करती फिर जींस वगैरह पहनने की, और बेबी फीड भी करती है तो प्रॉब्लम होती है। सो दैट्स इट, ये लेके आई थी। और मेरे नाम में कुछ हो गया क्या? और मैं बहुत जल्दी आपको हेयर कर्ल करना, जो मेरा तो स्ट्रेट भी हो गया, लो मेरे बालों में कुछ ज्यादा देर टिकता नहीं है, तो मैं वो जल्दी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊंगी कि हेयर कल आखिर करते कैसे हैं, ठीक है, कैसे करते हैं और क्या कैसे सब कुछ, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर, या कल कब मॉर्निंग में आएगा, अभी शाम के 7 बज रहे हैं तो हो सकता है मैं आप लोगों से कल मिलूँ, मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ, ठीक है। गाइस, आज सेकेंड डे हो गया है और आज मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा कुछ काम है मुझे, मुझे नहीं मम्मी का काम है वो करने के लिए। तो राजा मंडी यहाँ आगरा का चीपेस्ट मार्केट, चीपेस्ट प्राइस मार्केट, सॉरी, जहाँ पे चीप क्वालिटी, मतलब क्वालिटी बेस्ट और चीप प्राइस में चीज़ें मिलती हैं, तो आज मैं वहाँ लेके जा रही हूँ आप लोगों को। तो चलिए मेरे साथ आगरा का चीप प्राइस मार्केट। तो चलिए, एंड मैं कैसी लग रही हूँ, मैंने जींस टॉप पहना है यहाँ पे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा।
और मेरी आवाज़ थोड़ी धीमी निकल रही है, तो जस्ट इग्नोर। चलिए चलते हैं मेरे साथ। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. And on. अभी मार्केट में थी, अभी नहीं, मैं कल थी, आज नहीं। तो जो वो मार्केट है वो यहाँ का, मतलब आगरा का चीप प्राइस मार्केट है, और भी हैं यहाँ पे, और वो भी उसमें आता है। वहाँ पे 150, 100 और 200 के ऊपर की टॉप वगैरह आपको मिल सकती हैं, प्लाजो मिल सकते हैं, एंड चप्पलें बहुत सस्ती मिलती हैं। तो मैं वहाँ से क्या लेके आई हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैं लेके आई हूँ ये, आप लोग सोचोगे ये कैसा कॉम्बिनेशन है, एक बड़ा एक छोटा। ये सानू के लिए है, जुदी का बेटा है, और ये है टैनी के लिए। ये लड़कियों जैसा थोड़ा ओपन है और ये लड़कों जैसा बंद है। क्लॉक्स बोलते हैं इनको, और इनकी लाइटिंग दोनों में लाइट्स हैं, और ये उन लोगों को उनकी नानी ने दिलाए हैं। ये दोनों हमको मिले थे 300 में दोनों, ठीक है। फिर मैंने अपने लिए लेके आई थी चप्पल, चप्पल लेके आई थी ये। इसमें का पता है प्लास्टिक का भी आता है, यहाँ प्लास्टिक लगी होती है वो ट्रांसपेरेंट वाली, और ऐसे लगा होता है। और पिंक कलर भी था इसमें, पर पिंक कलर क्या होता है कि पिंक कलर बहुत ही ज्यादा गंदा हो जाता है। तो मैं ये ग्रे, उसने मुझे ग्रे कलर ही दिखाया, और मैंने उसको पिंक मांगा, उसने मुझे ग्रे कलर दिखाया ना, तो मैंने उसको पिंक मांगा, तो मुझे बोला नहीं आप ग्रे लीजिए क्योंकि पिंक बहुत गंदा हो जाता है। और यहाँ पे भी देखिए वो सलीम जैसा होता है वो लगा। ये एकदम फ्लैट में है और ये काफी अच्छा है, मतलब आप साड़ी सूट जीन्स कैफरी सबके ऊपर भी पहन सकते हो उसको, बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा वाला है। तो ये मुझे 300 का मिला था, ये मुझे मम्मी ने दिलाया, ठीक है। उसके बाद मैं खुद से एक मुझे चाहिए था, क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है मैं बैंगलोर जाने वाली हूँ तो शॉपिंग करनी थी, तो ये लेके आई हूँ मैं। ये प्लेटफॉर्म हील में, और ये इस टाइप का है, यहाँ पे 3 रिपिट लगी हुई है, तो ये उखड़ने वाले नहीं है आसानी से। हाँ, इसमें रिपिट लगी हुई है तो ये आसानी से नहीं उखड़ेंगे, और बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, अच्छा है ये।
और इतना हील मेरे लिए चलता है और फ्रंट देखिए। तो आपको ये सारी जो चप्पल और शू मेरे पहने के और सानू के क्लॉक्स हैं, दोनों भाई बहनों के कलर भी सेम है, सब कुछ सेम है। तो आप लोगों को ये कैसे लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अभी मेरे पता नहीं कैसे लग गई है यहाँ पे। सो और मेकअप मेरे लिए टॉप लेके आई थी, वो आपको अपने ब्लॉग में दिखा देगी। एंड काइंडली और इन्फॉर्मेशन, मेकअप मेरी सिस्टर है जिसका चैनल है मेकअप किचन, और उसका चैनल का नाम चेंज हो जाएगा मेकअप किचन व्लॉग्स, ठीक है। तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको इस वीडियो के। और दैट्स इट, और यही है मेरा आज का वीडियो और ब्लॉग। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बेल आइकन को भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जब भी मेरा वीडियो आए तो आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, थैंक यू।